चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर। संसार में हर इंसान स्वार्थी बनकर जी रहा है। कोई कम स्वार्थी है, कोई ज्यादा स्वार्थी है। स्वार्थी सब है, बिना स्वार्थ के कोई हिलता भी नहीं है। आप घर में रहते हैं, आप परिवार में रहते हैं, तो क्या परिवार वालों से आपका स्वार्थ नहीं है? बिना स्वार्थ के परिवार में रह सकते हो क्या? बेटा जब छोटा होता है तो माँ उसे बड़ा प्यार करती है, थोड़ा और बड़ा होता है तो स्कूल भेजती है, स्कूल में पढ़ाई अच्छी करे तो प्यार करती है, और स्कूल में पढ़ाई ना करे तो डांटती भी है, दुखी भी होती है, और फिर प्यार करना कम भी कर देती है। तो मूर्ख है ये, तो बेकार है ये, तो किसी काम का है ही नहीं है। इंसान किससे प्यार करता है? जो काम का होता है। आपने देखा कि नहीं देखा? जो काम का है उससे बड़ा प्यार होता है, और जो काम का नहीं है उससे प्यार कम होता है, है ना? थोड़ा और बड़ा होता है बेटा, फिर कमाई करने लायक होता है, कमाई करे तो बेटा बहुत अच्छा है, और कमाई ना करे तो बेटा निखट्टू है, बेटा निकम्मा है, कुछ करते ही नहीं है, ये तो कमाते ही नहीं है। उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसकी कीमत खत्म हो जाती है। जो बेटा कमाता है उसे रोटी बड़े प्यार से खिलाई जाती है, जो बेटा नहीं कमाता है रोटी तो देते हैं मगर चार बातें सुना करके रोटी खिलाई जाती है। अब जन्म दिया है, बेटा अपना है, छोड़ भी नहीं सकते, भगा भी नहीं सकते, रहेगा तो घर में, लेकिन मन में जो प्रेम उमड़ता है ना, वो प्रेम नहीं उमड़ पाता है जो प्रेम पैसे वाले बेटे के लिए उमड़ता है। इसका मतलब आप प्यार किससे करते हो? पैसे से करते हो या बेटे से करते हो? देखो सोचने वाली बात है, चिंतन का विषय है ये कि हम प्यार जीव से कर रहे हैं कि अजीव से कर रहे हैं। जब तक पति कमा के लाता है, खूब पत्नी को पैसा देता है, तो पत्नी क्या कहती है? अरे इनके मैं तो, मेरे तो भाग खुल गए। क्या कहती है? मेरे तो भाग खुल गए, मेरे पति जैसा तो दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं है, सबसे बढ़िया मिला है मुझे तो। क्यों? और वही पति कमा के ना लाए और पैसा ना दे तो क्या कहेगी? अरे बोलिए ना, क्या कहेगी? मेरे तो भाग्य फूट गए। क्या फूट गए? भाग्य फूट गए। ये तो कुछ भी नहीं कमाते हैं, पहले बता देते थे कि हम तुम्हारा पेट नहीं भर पाएंगे तो तुमसे शादी ना करते। बात यहां तक आ जाती है, हम तो तुम्हारे साथ रहने वाले नहीं है। क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि तुम तो कुछ कमाते नहीं हो। जब तुम कमाते नहीं हो तो तुम्हारे साथ रह के क्या करूं? अब प्यार पति से है या पैसे से है? दो चीजें हैं, जीव और अजीव। किससे प्यार ज्यादा करते हो? जीव से करते हो कि अजीव से करते हो? अब यदि बेटा पैसा नहीं कमा रहा है, माँ का प्यार रहेगा? और कमा रहा है तो कितना रहेगा? कमा रहा है तो कितना रहेगा? तो इसका मतलब ये है कि बेटे से ज्यादा प्यार धन से है। अब धन जीव है कि अजीव है? अजीव है, है ना? धन अजीव है और बेटा जीव है। बेटा धन कमाता है तो बढ़िया है, नहीं कमाता है तो बढ़िया नहीं है। यानी एक जीव की तुलना तुमने किससे की? धन से। धन कमाया तो बेटा अच्छा है, यानी सबसे अच्छा क्या हुआ? जीव से ज्यादा अजीव हो गया। अच्छा धन अच्छा हो गया तुम्हारे लिए। धन है तो बेटा अच्छा है, और नहीं है तो बेटा अच्छा नहीं है।
माँ बाप के लिए भी यही होता है। कोई कोई बेटे ऐसे होते हैं कि यदि माँ बाप के पास पैसा ना हो तो बहुत परेशान करते हैं, तुमने कमाया क्या है, मेरे लिए छोड़ा क्या है, ना तुमने मकान दिया, ना तुमने कोई बैंक में हमारे नाम से बैलेंस किया, ना तुमने हमें कोई पैसा दिया, ना सोना दिया, ना चांदी दिया, तुमने तो कुछ भी नहीं दिया हमें। बेटा भी अपने माँ बाप को बहुत सुनाता है, बहुत से बेटे होते हैं। यदि माँ बाप के पास धन हो तो बेटा सेवा करता है, माँ बाप के पास धन ना हो, अरे बोलिए ना, तो सेवा करने के भाव भी नहीं होते हैं। माँ बाप के पास धन हो और चार बेटे हो तो हर बेटा चाहता मम्मी पापा मेरे पास रहें, क्यों? क्योंकि धन उनके पास है। और यदि धन ना हो पास में और चार बेटे हो तो फिर कहेंगे तुम ले जाओ, तुम रखो अपने पास में, मम्मी पापा को तुम अपने पास रखा करो, हमने अब रख लिया 2 महीने, अब तुम रखो अपने पास में। सब एक इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर करेगा। एक माँ बाप चार बेटों को पाल लेते हैं मगर चार बेटे मिलकर एक माँ बाप को नहीं माल पाल सकते। कब? जब धन ना हो। धन होगा तो सेवा करेंगे। इसका मतलब माँ को यदि धन प्यारा है तो बेटे को भी धन ही प्यारा है। यानी संसार में यदि इंसान किसी को प्यार करता है तो इंसान को नहीं कर रहा है, वो धन को प्यार कर रहा है। वो धन को प्यार करेगा इसका मतलब वो अजीब को प्यार कर रहा है। अजीब को प्यार कर रहा मतलब वो आत्मा होकर के दूसरे को प्यार कर रहा है। आत्मा अलग चीज है, आत्मा की क्वालिटी अलग है और पुद्गल की क्वालिटी अलग है। पुद्गल अजीब है और आत्मा जीव है। आत्मा में चेतनता है और पुद्गल में चेतनता नहीं है। धन के पीछे, अजीव के पीछे कभी जीव का अपमान किया आपने? नहीं किया, 50 बार किया है, दिन में 10 बार करते होंगे। कोई गरीब आ जाए कैसे भाव आते हैं उसके प्रति, और कोई अमीर आ जाए उसके प्रति कैसे भाव आते हैं, अपने आप ही भाव बदल जाते हैं। धन की परछाई भी इंसान के भावों को बदलने में समर्थ है। अभी धन मिला नहीं है, मिलने वाला है। आपका, आपके बेटे का संबंध किसी धनवान आदमी के लड़की से हो गया, क्या बेटे का संबंध किसी धनवान के बेटी से हो गया? अब पता चल गया कि धन में बहुत कुछ मिलने वाला दहेज में, है ना? अब वो जब दहेज में बहुत कुछ मिलने वाला है तो अब क्या करोगे? पहले से तुम्हारे भाव बढ़ जाएंगे, बेटे के भाव बढ़ जाएंगे। क्या समझते हो मुझे? हमारे बेटे की शादी उनके यहाँ हो रही है, हम छोटे मोटे नहीं है, अभी हुई नहीं है, अभी केवल रिश्ता पक्का हुआ है। अभी धन तुम्हारे पास आया नहीं है, अभी दहेज तुम्हारे पास आया नहीं है, और भाव पहले से बदल गए, पहले से बदल गए। और जबकि तुम्हें वो अपना पूरा धन भी नहीं देगा, केवल वो तुम्हारा रिश्तेदार बन रहा है और उस धन में से थोड़ा सा हिस्सा देगा, ज्यादा भी नहीं देगा। उसके बाद भी उस धन ने तुम्हारे भाव बदल दिए। जो तुम्हारे गरीब रिश्तेदार थे तुमने उनका अपमान करना शुरू कर दिया, तुमने उनको छोटा समझना शुरू कर दिया, तुमने उनका सम्मान करना बंद कर दिया। किसके कारण? धन के कारण। तो हमारा मन, हमारा प्रेम किसके ऊपर ज्यादा है, फिर उस वहीं से हमारा स्वार्थ शुरू हो जाता है। स्वार्थ कहाँ से शुरू होता? भाई अब देख रहे हैं कि सारी दुनिया धन को प्रेम करती है, इंसान को प्रेम नहीं करती है। सारी दुनिया में हर जगह एक ही बात देखी जा रही है कि धन को प्रेम होता है, इंसान को प्रेम नहीं होता। अभी मैंने जितनी बातें बताई उसमें यही बात आई कि इंसान धन से प्रेम करता है, इंसान से प्रेम नहीं करता है। तो सारी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? धन के पीछे भाग रही है। यदि इंसान इंसान को प्रेम करना शुरू कर दे तो धन की कीमत कम हो जाए,
धन रहे ना रहे इंसान की कीमत करो। धन चला गया दोबारा आ जाएगा, इंसान चला गया दोबारा नहीं आएगा। धन के पीछे इंसान का दिल तोड़ दिया, वो अब दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। धन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। धन तो दोबारा मिल जाएगा, तुम्हारी किस्मत में होगा, तुम्हारे भाग्य में होगा। धन कहीं से भाग के आ जाएगा, तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा। तुम कितना दिल तोड़ लेना और नहीं तोड़ना, उसको भागना होगा, वो भाग के चला जाएगा। लेकिन यदि इंसान का दिल तोड़ दिया तो वो दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। और सबसे ज्यादा स्वार्थ यदि करता है इंसान तो संसार में धन के पीछे करता है। दो व्यक्ति एक साथ पार्टनरशिप का काम शुरू करते हैं, धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगता है, देखते हैं धन अच्छा आ रहा है। एक के मन में बेईमानी आ जाती है और वो दूसरे के साथ बेईमानी करना शुरू कर देता है, मायाचारी शुरू कर देता है, पैसा खींचना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे फिर होता यूं है कि पार्टनरशिप फिर खत्म हो जाती है। दोनों जितने मित्र थे दोनों उतने शत्रु बन जाते हैं। एक नहीं करोड़ों लोगों का उदाहरण है। इसीलिए कहा है कि रिश्तेदारी में कभी व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदारी में व्यापार करोगे फिर वही स्वार्थ आ जाएगा, फिर बुराई हो जाएगी। जो प्रेम है उतना भी खत्म हो जाएगा, इसलिए रिश्तेदारी में कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। पैसे का लेन देन, कर्जा भी लेते हैं। मैंने कल भी बताया था कि कर्जा लेते हैं, अपनों से लेते हैं, फिर देते नहीं है, फिर क्या हो जाती है, बुराई हो जाती है, हो जाती ना। किसके पीछे हुई? धन के पीछे हुई। तो धन के प्रति ईमानदार रहो और कीमत इंसान की करो, धन की मत करो। किसी ने यदि तुम्हारा धन रख भी लिया ना तो उस धन की टेंशन मत करो। तुम्हारे भाग्य में होगा ना, दोबारा आ जाएगा और कहीं से आ जाएगा। ले गया ले गया, उसके भाग्य का था, ले गया चला गया। अब उसकी टेंशन कर करके अपने मन को खराब ना करो, पाप का बंध मत करो, सोचो मत ज्यादा, विचारो मत, ये सोचो मेरे भाग्य में नहीं था, चला गया। उसका मन आएगा तब वापस कर देगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, उसके भाग्य का था ले गया। ऐसा विचार करके अपने मन को शांत करो, अपने मन में शांति रखो और जितना है उतने में गुजारा करो। एक व्यक्ति था तो उसने तपस्या करी, तपस्या करी तो भगवान ने, काल्पनिक कथा है, उसके भाग में एक घोड़ा और 5 रुपए लिख दिए कि तेरे पास इतना तो रहेगा ही रहेगा। क्या लिख दिया? एक घोड़ा और 5 रुपए, इतना तेरे भाग में मैंने लिख दिया, इससे तू खाली नहीं रहेगा, इतना तो तेरे भाग में रहेगा ही रहेगा। खुश हो गया। अब सुबह सुबह उसको रोज एक घोड़ा और 5 रुपए मिल जाते। वो दिन भर में अपना, पहले का जमाना था, दिन भर में अपने 1-2 रुपए में पूरे दिन का खर्चा चल जाता और रात अपने दिन भर में घोड़े से सफर भी हो जाता। और वो क्या करता, शाम होते होते जितने 4 रुपए बचते वो गरीबों में बांट देता और घोड़ा भी किसी को दान कर देता। दूसरे दिन होते फिर उसे एक घोड़ा और 5 रुपए मिल जाते। क्यों? क्योंकि भाग्य में था, क्योंकि उसके भाग्य में एक घोड़ा और 5 रुपए था। दूसरे दिन उसे फिर मिल जाते, वो शाम तक फिर बांट देता, फिर उसे दूसरे दिन मिल जाते। बात समझ में आई कि नहीं आई? है उसके पास 5 रुपए आए तो उसने 5 रुपए का क्या किया? 4 रुपए बांट दिए, क्योंकि भगवान ने कह दिया तेरे भाग में 5 रुपए तो मिलने ही मिलने हैं। और तुम होते तो क्या करते? जोड़ लो, बचा लो, कल फिर आ जाएंगे, बचा लो कल फिर आ जाएंगे। तुम जोड़ जोड़ के इकट्ठा करते। उसने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। तो जितने अच्छे बीज डालोगे उसका फल भी तो मिलेगा। तो ऐसे ही यदि तुम्हारा कर्जा किसी ने ले लिया है, अब उससे बुराई मत लो, उससे लड़ाई झगड़े मत करो। हाँ, कभी कभी कह दो, लेकिन टेंशन मत करो। टेंशन करने से पाप कर्म का बंध होता है
और पाप कर्म से जितना होता और है वो भी चला जाएगा, और जो चला गया वो तो चला ही गया, लेकिन जो है उसको तो बचाओ। और इतना धर्म करो, इतना धर्म करो कि जितना गया है उससे चौगुना आ जाए। कम से कम मेरा धन किसी के काम तो आया, मेरा पैसा किसी के काम तो आया, ले लिया ले लिया, ऐसा विचार कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यदि इंसान की कीमत करोगे तो ऐसा विचार मन में आएगा, और धन की कीमत करोगे तो टेंशन होगी। अब दोनों में से तुम्हें क्या अच्छा लगता है, टेंशन करना अच्छा लगता है या शांति अच्छी लगती है? शांति अच्छी लगती है। शांति अच्छी लगती है तो विचार यही करना पड़ेगा कि उसके भाग का था वो ले गया, मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे बच्चों के पास कोई कमी नहीं है, जो जैसा है सो ठीक है। यदि ऐसा विचार कर लिया तो मन शांत हो जाएगा, और ऐसा विचार नहीं किया तो मन टेंशन में आ जाएगा। और विचार ये भी कर सकते, क्या लाए हैं, क्या लेके जाना है। जमीन के पीछे एक परिवार है, तो उस परिवार के पास में, उनके पिताजी के पास में खूब धन दौलत थी और खूब जमीन जायदाद थी। पिताजी चले गए, बंटवारा करके नहीं गए, तो अब चारों भाई आपस में लड़ने लगे, आपस में एक दूसरे पर केस कर दिया। अब जमीन है जहां की तहां, उसका बंटवारा नहीं हो सकता। जिस समय पिताजी गए उस समय जो बेटे थे कोई 50 का था, कोई 55 का था। अब केस चलते चलते कोई 75 का हो गया, कोई 80 का हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी तो वे केस लड़ रहे हैं, अब 80 होते होते वो नमो से धाड़म हो जाएंगे। लड़ते लड़ते चले गए ना, और लड़ाई में टेंशन के अलावा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता टेंशन के अलावा लड़ाई में। अब हुआ यूं, अब उनके बेटे लड़ रहे हैं केस, हो सकता निर्णय हो पाए और ना हो पाए, और उनके बेटे लड़ेंगे फिर केस, पीढ़ी दर पीढ़ी केस चलता रहेगा। लड़ते रहो, जमीन जहां की तहां पड़ी है, जमीन को कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है वो जीव को हो रहा है, अजीब को कुछ भी नहीं हो रहा। जमीन थोड़ी रो रही है बैठ के कि हाय मेरा मालिक मर गया, हाय मेरे मालिक ने मेरे को कितने अच्छे से रखा, मेरे पे खेती करी और बेचारा आज चला गया। जमीन नहीं रो रही तुम्हारे लिए, कौन रो रहा है? तुम रो रहे हो। जमीन तो हंसती है इस टुकड़े के लिए। पहले वो राजा महाराजा आए, वो कहते थे मेरा राज्य है। क्या कहते थे? मेरा राज्य है। वो राजा महाराजा भी चले गए, चक्रवर्ती भी चले गए, उसके बाद जिसके पास थी वो भी चला गया। पता नहीं कितनी पीढ़ियां चली गई, जमीन जहां की तहां पड़ी है। लेकिन जो लड़ने वाला है वो बेचारा लड़ लड़ के पाप कमा कमा के नरक में चला जाता है, और जमीन जहां की तहां पड़ी रह जाती है। इस धन के प्रति मोह बहुत ज्यादा है लोगों का, और आज से नहीं है, हमेशा से था। बस धर्म का क्या काम है? धर्म का काम यही है कि वो अजीब से मोह कम करवा देता है। धर्म का काम है कि वो अजीब से मोह कम करवा के लड़ाई झगड़े खत्म करवाता है। धर्म का काम है कि वो मोह कम करवा के आत्मा की तरफ ध्यान देने की बात कहता है। धर्म का काम है वो जीव की कीमत करवाता है। धर्म का काम है उसे हर जीव में भगवान नजर आने लगते हैं। धर्म का काम है वो जीवों की रक्षा करने लगता है। धर्म का काम है वो चींटी मक्खी मच्छर गधा कुछ भी कोई भी जीव हो, हर जीव में हर आत्मा में उसे परमात्मा नजर आने लगता है, और हर जीव के प्रति करुणा भाव से भर जाता है। ये धर्म का काम है। आत्मा की शुद्धि हो जाती है, मन विशुद्ध हो जाता है, पापों से बच जाता है, कषायों से बच जाता है, लड़ाई झगड़े से बच जाता है, स्वार्थ से बच जाता है। लेकिन जब तक संसार में रह रहे हो, एक बात और कहूंगी, अभी तो ये बात धर्म की हुई कि धर्म ने हमें क्या सिखाया, लेकिन दूसरी बात कहूंगी, जब तक आप संसार में रह रहे हो तो एक सूत्र बना लो आप, मिलकर रहिए और बांट कर खाइए। इसमें स्वार्थ खत्म हो गया,
इसमें स्वार्थ यदि संसार में सुखी रहना है, यदि संसार में शांति से रहना है, यदि संसार में आप स्वयं सुखी रहना चाहते हैं, औरों को सुखी रखना चाहते हैं, तो मिलकर रहिए और बांटकर खाइए। यदि इस सूत्र को लेकर के जीवन में रहोगे तो तुम भी सुखी रहोगे और तुम्हारे साथ जो रहेगा वो भी सुखी रहेगा। क्योंकि जब ज्यादा मन में दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, तो भी मन धर्म में नहीं लगता है। माला भी फेरने बैठोगे तो वही दुख याद आता है, धर्म भी करने बैठोगे तो दुख याद आता है, और मन शांत रहता है तो धर्म में भी मन लगता है और धर्म की गहराई में भी पहुंच जाते हैं। तो घर में रहो तो सूत्र को अपना के रहो कि मिलकर रहिए और बांटकर खाइए। घर में रहकर स्वार्थ नहीं, यदि ज्यादा स्वार्थी बनकर रहोगे तो तुम भी दुखी रहोगे और तुम्हारे साथ जो रहेगा वो भी दुखी रहेगा। घर में यदि थोड़ी चीज है बांटकर खाओ। अकेले मुझे स्वाद लेने की इच्छा थोड़ी है, मेरे साथ जो रह रहा है वो भी तो खाना चाहता है, उसकी भी तो इच्छाएं हैं। हम उसकी इच्छा को मार करके हम अपनी इच्छा की पूर्ति करें? नहीं, मैं इच्छाओं को मार लूंगा लेकिन उसको जरूर खिलाऊंगा। एक रसगुल्ला है, भले इतना इतना सा खाओ मगर सबको बांट करके खाओ। मिलकर रहिए और बांट कर खाइए और मिलके रहो। कलेश मत करो, ज्यादा दबाव मत डालो, ज्यादा द्वेष मत रखो, ज्यादा उसके प्रति निंदा मत करो उसकी। उसके साथ मिलकर रहो, मिलकर रहने से तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उसे भी अच्छा लगेगा। और जो लोग मिलकर नहीं रहते हैं तो फिर तुमने देखा होगा पति पत्नी तक का जो संबंध होता है उसमें भी तलाक हो जाता है। जब दो प्राणी मिलकर नहीं रह सकते हैं तो औरों को क्या शिक्षा दे सकते हैं कि मिलकर रहिए। और मिलकर रहने में जो सुख है वो सुख अकेले रहने में नहीं है। यदि संसार में रह रहे हैं तो साथ चाहिए ही चाहिए, बिना साथ के जीवन हो ही नहीं सकता है। साथ रह नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते, जिए तो कैसे जिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी के साथ रहते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं, अकेले में मन नहीं लगता है। इसका मतलब है तुम उम्र से तो बड़े हो गए हो मगर अभी तुम्हें जीना नहीं आया है। जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन कैसे अच्छा बनाया जाता है, जीवन में कैसे गुण उत्पन्न किए जाते हैं, जीवन में कैसे फूल खिलाए जाते हैं, शायद इस बात को अभी सीखा नहीं है। और जिसने इस बात को अभी नहीं सीखा है इसका मतलब उसने अभी धर्म करना शुरू नहीं किया है, इसका मतलब उसने भी जीवन जीना नहीं सीखा है। जिसने दूसरों की भावनाओं को नहीं समझा है, जिसने दूसरों के प्रति करुणा भाव नहीं लाना शुरू किया है, जो अपनों के प्रति दया भाव नहीं रखता है, जो अपनों के प्रति करुणा भाव नहीं रखता है, वो दूसरों पर क्या दया करेगा। और जो दूसरों पर दया नहीं कर रहा, अपनों पर दया ही नहीं कर रहा है, तो वो क्या धर्म कर रहा है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, जब तक मन में दया नहीं है तो धर्म शुरू हो ही नहीं सकता है। करुणा भाव नहीं है तो धर्म शुरू हो ही नहीं सकता है। जब तक हम दूसरों के दर्द को ना समझें, दूसरे को कष्ट को ना समझें, उसे दूर करने का प्रयास ना करें, तो हमारा धर्म कहाँ है। धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं होती है, धर्म की शुरुआत होती है घर से। यदि घर में बूढ़े बड़े हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, समझना तुम्हारा धर्म शुरू हो गया। जरा रिश्तेदार से कह के बताना कि आपका ही मकान है, वो कहेगा निकल बाहर, मेरा मकान है तो निकल बाहर, है ना। त्यागी को सब देना चाहते हैं और वो लेना नहीं चाहता है, और जो लेना चाहते हैं उसे देना नहीं चाहते हैं, जो छोड़ता है उसे मिलता है, और जो पकड़ता है उससे छूटता है। धन की भी कुछ ऐसी प्रकृति है, जैसे भगवान है, भगवान ने मुनि बने, त्याग किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, स्वर्ग चले गए।
त्याग करके गए थे, घर द्वार महल मकान सब त्याग कर दिया था, स्वर्ग में गए फिर वापस सब कुछ मिल गया। ठीक है, अब फिर वहां से आए किसी राजा के घर में उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने के पहले जब गर्भ में थे, गर्भ से 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा शुरू हो गई। आए नहीं कि धन पहले आना शुरू हो गया। उनने तो कमाई भी नहीं करी कुछ भी, ना फैक्ट्री चलाई ना दुकान चलाई ना कुछ किया, और उनके तो धन आना शुरू, आने के पहले धन आना शुरू हो गया। फिर जन्म हुआ तो फिर सुहा कपड़े भी उनके स्वर्ग से आ रहे, भोजन भी उनका स्वर्ग से आ रहा, खेल खिलौने उनके स्वर्ग से आ रहे, घर में कोई कमी नहीं है। फिर भगवान ने फिर त्याग कर दिया, फिर दिगंबर हो गए। फिर धन कपड़े मकान दुकान जो भी था उनका, महल राजमहल सब परिवार सबका त्याग कर दिया। फिर क्या हुआ, दीक्षा ले ली, त्याग कर दिया, ध्यान करी, तपस्या की, अब क्या हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे केवल ज्ञान हुआ, स्वर्ग के कुबेर इंद्र ने समोषरण की रचना कर दी। अब समोषरण में क्या है, इस स्फटिक मणि की दीवारें हैं और पेड़ बने हैं, वहां पन्ना के फल लगे, पत्ते लगे हैं, लाल मणि के फल लगे हैं, और ऐसे ऐसे पेड़ बना दिए कि जो रत्नों के पेड़ हैं। स्वर्णिम सिंहासन आ गया बैठने के लिए, कौन सा, यहां तो सब कुछ छोड़ के गए, वहां सोने का सिंहासन आ गया बैठने के लिए। जो छोड़ता है लक्ष्मी उसके पीछे जाती है, लेकिन छोड़ना कैसे, त्याग पूर्वक, राग के त्याग पूर्वक। जो चीज आपने छोड़ी है उसे मन से वचन से काया से छोड़ दी, छोड़ दी मतलब छोड़ दी। अब जब छोड़ दी तो उससे संबंधित पाप कर्म भी आना खत्म हो गया, और जितना पाप खत्म होगा उतना पुण्य आएगा, और जितना पुण्य आएगा, लक्ष्मी पुण्य की चेरी है, लक्ष्मी पुण्य की दासी है, जहां पुण्य है वहां लक्ष्मी है। तो क्या कमाना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए कि लक्ष्मी कमानी चाहिए? पुण्य कमाने की जरूरत ही नहीं है, धर्म के मार्ग में आओ, अंतर्मुखी हो जाओ, ध्यान करो, धर्म करो, आत्मा के लिए, पुण्य के लिए नहीं। लक्ष्य बनाओ आत्मा को, किसको, लक्ष्य बनाओ आत्मा को, कि आत्मा को मन को शांत करना है, मन से परमात्मा का नाम लेना है, लक्ष्मी के लिए नहीं कि भगवान मुझे पैसे मिल जाए। क्योंकि जहां पर तुम पुण्य के लिए करोगे तो थोड़ा आएगा, और आत्मा के ध्यान और मोक्ष के लिए करोगे तो वो ज्यादा आएगा। जितना तुम छोड़ोगे मन से उतना आएगा। धन को तो मानो ही मत कुछ, धन तो कुछ है ही नहीं है, तुम तो धर्म करो, केवल धर्म करोगे धन तुम्हारे पीछे आएगा। अब आप कहोगे माताजी हम करते तो हैं, अभी नहीं करते, जिस दिन कर लोगे ना आत्मा से, जिस दिन पूरे आत्मा से कर लोगे उस दिन कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो ये कह रहे हैं जो जहां रहता है वहां ईमानदारी से रहे, ये भी बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। जहां रह रहा है ईमानदारी से रहे, बेईमानी ना करे, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म भी यदि आप संसार में रहते हो और अभी आपने धर्म करना शुरू नहीं किया है, तो आपके लिए ईमानदारी से बड़ा धर्म कोई नहीं है। अब जैसे स्वस्ति धाम में है, अब वहां पर कई बार कमरे में लोग घड़ी छोड़ जाते हैं, कोई बैग छोड़ जाता है, कोई कुछ छोड़ जाता है, तो वहां स्टाफ जो है वो लाके ऑफिस में जमा कर देता है, भाई जिसकी हो वो आकर के ले जाओ। ईमानदारी है नहीं है कि भाई किसी की चीज छूटी थी उसने चुराई नहीं, उठाई नहीं, रखी नहीं, उसे वापस पहुंचा दी, ये धर्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए ना, हुआ ना धर्म, ये बहुत बड़ा धर्म है। सत्य धर्म हो गया, आचौर्य धर्म हो गया, तुमने चोरी नहीं करी, तुमने सत्य बोला, ये भी धर्म है। तो बंधुओं जीवन में लक्ष्य बनाओ धर्म को। लक्ष्य किसको बनाना, धर्म। जैन धर्म तो ऐसा है,
कि गरीब को भी सुख देता है और अमीर को भी सुख देता है, जो करेगा उसको सुख देता है। क्योंकि धर्म धन से नहीं होता है क्या? अब आप कहोगे दान करना धर्म नहीं है क्या? दान करना धर्म है, मगर त्याग उससे बड़ा धर्म है। त्याग दान से बड़ा धर्म है। भगवान ने दान किया था कि त्याग किया था? किसी शास्त्र में लिखा है कि भगवान ने कुछ दान किया? नहीं लिखा ना। भगवान ने क्या किया? त्याग किया। त्याग इंसान को भगवान बनाता है और दान इंसान को सेठ बनाता है। क्या बनना है? भगवान बनना कि सेठ बनना? भगवान बनना है। आज मैं अपने वैवाहिक जीवन के 40 वर्ष पूर्ण करने जा रहा हूं और मन में बहुत भाव था मुनि सुव्रतनाथ भगवान के श्री चरणों में ही यह दिवस का आनंद लूं, और आज मुझे यह सौभाग्य प्रभु ने दिया है। मैं धन्य हो गया आज प्रभु के अभिषेक करके और शांति धारा करके। मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी प्रभा, हम दोनों किशनगढ़ से यहाँ यही भाव लेकर आए थे और आज यहाँ मंदिर क्षेत्र कमेटी ने भी हमें यह अवसर प्रदान किया। पूज्य माताजी ससंग के सानिध्य में आज शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा परिवार ऋणी है। आज यह पावन अवसर पाकर हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। बोले परम पूज्य गणिनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी की कारण यहाँ की रज रज पवित्र हुई है। उन प्रभु 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान के श्री चरणों में नमोस्तु। स्वस्ति भूषण माता जी की जय। स्वस्ति धाम में सौभाग्य बराबर मिलता है, भगवान की मेहरबानी है। इनके आशीर्वाद से हम बार बार आते भी हैं। पिछली बार भी 6 महीने पहले आए थे। हमें बहुत शांति मिलती है आने के बाद में, और आज तो हमारा पूरा परिवार यहाँ है और हमारे परिवार के साथ में हमने शांति धारा की और कलश भी किए। बड़ा अच्छा लगा और शांति मिली। हम भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमें इस तरह का मौका बार बार दें, हम बार बार पुनः पुनः आपके दर्शनार्थ यहाँ पर आएँ और हमारे जीवन को धन्य करें। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज़ को।